सोच, 26 मई को बनाएंगे काला दिवस। किसान संगठन को मजबूती के लिए नए पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। करनाल जिले से आने वाले किसान जत्थे का पानीपत के किसान करेंगे स्वागत। पानीपत में किसानों का धरना लगातार जारी है। इसके साथ अब आंदोलन को मजबूत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने किसान संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। साथ ही किसान संगठन ने फैसला लिया है कि कल करनाल जिले से गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में आने वाले किसान जत्थे का किसान स्वागत करेंगे, साथ ही दिल्ली कूच करेंगे। जिला अध्यक्ष सुधीर जाखड़ ने 26 मई को काले दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पानीपत टोल प्लाजा पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुधीर जाखड़ ने संगठन के विस्तार के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए उन्हें संगठन के विस्तार के साथ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूती से काम करने की अपील की है। संभालका विधानसभा से युवा अध्यक्ष रविंदर बिहोली व पानीपत शहरी से होशियार बाबा को शहरी युवा अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके साथ ही सुधीर जाखड़ ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में कल सैकड़ों की संख्या में किसान गुरनाम सिंह के हजारों गाड़ियों के काफिले के स्वागत के साथ दिल्ली कूच करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही जाखड़ ने कहा कि 26 मई को किसानों द्वारा काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के लिए बनाए गए तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान आंदोलन जारी रहेगा। किसान यूनियन जिला पानीपत द्वारा जिले में संगठन विस्तार किया गया है। नौजवानों की फौज खड़ी करने के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़कर युवा ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, इसलिए संभालका हलके से युवा अध्यक्ष भाई रविंदर बिहोली जी को बनाया गया है, जो कर्मठ किसान कार्यकर्ता हैं और आंदोलन में बढ़ चढ़कर पूरे गांव, इनका गांव और ये बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ऐसे में अब इनको जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे संभालका हलके में हर गांव में जाकर युवाओं की अपनी फौज, अपनी टीम भारतीय किसान यूनियन की खड़ी करने का इनको काम दिया है। वहीं पानीपत शहर से होशियार बाबा जी हैं, खुद किसान भी हैं लेकिन परिवार चूँकि शहर में रहता है और यहीं शहर के पास इनकी ज़मीन भी है, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी इनको शहर का भारतीय किसान यूनियन का युवा अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। पानीपत शहरी लगातार आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर दिन संगठन का विस्तार हम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं और जैसा कि कल भारतीय किसान यूनियन के सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, करनाल जिले के किसानों ने कार्यक्रम बनाया है कि 5000 गाड़ियों के साथ वो चलेंगे और उसका नेतृत्व सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी करके दिल्ली कूच करेंगे, तो पानीपत पे 11 बजे पानीपत के किसान यात्रा का स्वागत करेंगे और काफिले में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए कल दिल्ली पहुँचेंगे। वही 26 दिवस को, चूँकि आंदोलन को 26 जनवरी नवंबर से शुरू हुआ तो 6 महीने पूरे हो जाएंगे और 7 साल इस मोदी सरकार के पूरे होंगे, तो हम काला दिवस यानी कि विरोध दिवस 26 तारीख को पानीपत यहाँ टोल प्लाजा पर किसान मनाएंगे और काले झंडे अपने घरों पे लगाएंगे, काले कपड़े पहनेंगे, काले बैनर लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काला जो है उस दिन, काला दिवस जो है वो पूरे जोर शोर तरीके से मनाया जाएगा। और आज से गाँव में जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। अभी यहाँ के कार्यक्रम के बाद आज लगभग 10-12 गाँव में कार्यक्रम मीटिंगें हैं, वहाँ जाके अभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के करेंगे और जोड़ेंगे और पानीपत ज़िले को किसान आंदोलन का हरियाणा में सबसे पहले नंबर पर हम इस पानीपत ज़िले को लेकर जाएँ, इतनी मजबूती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। जो युवा साथियों को जो जिम्मेदारी मिली है वो पूरी भारतीय किसान यूनियन उनको बधाई देती है और उनसे उम्मीद करती हैं कि वो अपने पदों की जिम्मेवारी समझेंगे और जो किसानों को उनसे उम्मीद है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर भारतीय किसान आंदोलन को मजबूत करते हुए भारतीय किसान यूनियन की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।